एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। अब हम इस वीडियो में जो फार्मेकोलॉजी के जो PYQ है उसके टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो फिजियोलॉजी है, एनेस्थेसिया, साइकेट्रिक और स्किन, तो ये सब जो रैपिड रिवीजन और PYQ बेस्ड क्वेश्चन है वो मैंने कवर कर लिए हैं और वो आप अपने चैनल पर भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करें तो नीट PG 2021, तो जो क्वेश्चन था कि रिफैम्पिसिन है वो ओसिपिल्स के साथ इंटरेक्शन करती है और उसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करती है, इसलिए जो ओसिपिल्स है उसका फेलियर हो जाता है। इसलिए अगर कोई पेशेंट TB का पेशेंट है, रिफैम्पिसिन पर है, तो उसे ओसिपिल के साथ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की सलाह दी जाती है। बाद में बात करें तो अगर कोई पेशेंट है वो हाइपरटेंसिव है और उसे कोई ड्रग पे है और बाद में वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो कौन सी ड्रग आप स्टॉप करेंगे, तो उसमें आएगा ACE इनहिबिटर, ARB, डायरेटिक्स, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर और सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। बाद में बात करें तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज्ड इन प्रेगनेंसी, लेबेटेरोल, निफेडिपिन, मिथाइलडोपा और हाइड्रेलेजिन, तो ये ड्रग से हम प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं। बाद में जो क्वेश्चन है कि इंडोमेथासन की साइड इफेक्ट क्या है प्रेगनेंसी में, तो प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरोसिस। बाद में ओपन एंगल ग्लूकोमा का अगर कोई पेशेंट है और उसे यहाँ पे ऐड करना भूल गया, जो ब्रोंकियल अस्थमा भी है, तो कौन सी ड्रग आप यूज करेंगे, तो उसमें आएगा लेटानोप्रोस्ट। बाद में अल्प्राजोलम को हम कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, तो 0.5 mg डेली बेड टाइम फॉर 7 डेज, ऐसे हम अल्प्राजोलम को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और एंजियोइडिमा है तो वो कौन सी ड्रग की साइड इफेक्ट है, तो उसमें आएगा लिसेनोप्रिल, मतलब कि जो ACE इनहिबिटर है उसकी साइड इफेक्ट है एंजियोइडिमा। बाद में साइड इफेक्ट में देखें तो हाइपरकैलेमिया, ड्राई कॉफ, तो ये साइड इफेक्ट आपको खास याद रखनी है। बाद में जो एस्पिरिन है वो COX-1 इनहिबिटर है और वो थ्रोम्बेक्सन A2 को इनहिबिट कर अपने मैकेनिज्म करती है। बाद में जो मेटोक्रोप्रोमाइड है उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई पेशेंट को वोमिटिंग की कंप्लेन के साथ आता है और एक हमने एंटी इमेटिक ड्रग दी है, बाद में उसमें एक्स्ट्रा मिडल साइड इफेक्ट देखने को मिल रही है, तो हम ट्रीटमेंट में क्या देंगे, तो उसका आंसर आएगा बेंजेक्सो, मतलब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हम यूज करेंगे। बाद में डोजिंग रेट का फॉर्मूला पूछा गया था, तो उसका आंसर है क्लियरेंस मल्टीप्लाई बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब बात करें क्लेरिथ्रोमाइसिन और डिजोक्सिन, अगर दोनों साथ में देंगे तो डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। जो मिथोटेक्सन है वो DHFR को इनहिबिट कर अपनी एंटी कैंसर मैकेनिज्म करती है। बाद में आगे बढ़े, अगर कोई पेशेंट को आपने मेट्रोनिडाजोल प्रिस्क्राइब की है तो उसके साथ अल्कोहल अवॉइड करना है, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर डाइसल्फ़ाइड लाइक रिएक्शन करेंगे। बाद में एनाल्जेसिक आफ्टर नेफ्रेक्टोमी, अगर कोई क्रोनिक किडनी डिसीज का पेशेंट है और उसमें नेफ्रेक्टोमी की गई है, तो बाद में एंटी एनाल्जेसिक के लिए हम एसिटामिनोफिन मतलब कि पैरासीटामोल यूज करेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, 2022 का है, वो भी मैं कुछ देर में ये वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है वो भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई नया वीडियो आएगा और PYQ बेस का क्वेश्चन जो आने वाले तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।